हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं हर्ट ब्रोकन बाइकर ऋतिक, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी बाइक की ब्रेक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे टू व्हीलर की ब्रेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। टू व्हीलर में चार टाइप्स की ब्रेक्स होती हैं। पहली ड्रम ब्रेक्स, सेकंड डिस्क ब्रेक्स, थर्ड एबीएस और फोर्थ कंबाइन ब्रेकिंग। दोस्तों, हम कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो आपका आता है ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स। अगर हम एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें आता है एबीएस और सीबीएस। दोस्तों, ड्रम ब्रेक्स में ये ड्रम ब्रेक्स हमारी काफ़ी पुरानी ब्रेक्स होती हैं। ये बहुत स्लो ब्रेक्स मारती हैं, मतलब व्हीकल को स्लो करती हैं, और इसमें डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है ब्रेक्स मारने में। और जब हम ड्रम ब्रेक्स पे ब्रेक्स मारते हैं तो आपके व्हीकल का वेट ना आगे की तरफ आ जाता है, उसकी वजह से आपके व्हीकल की ब्रेक्स फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो उसके लिए ही कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स ने डिस्क ब्रेक्स लगानी स्टार्ट कर दी। आगे या फिर पीछे आपके अगर व्हीकल में डिस्क ब्रेक्स हैं तो ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, मोस्टली हमारे व्हीकल्स में आगे की तरफ ही डिस्क ब्रेक्स होती हैं, क्योंकि आगे वेट आता है तो इसलिए डिस्क ब्रेक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनसे ब्रेकिंग लग पाती है। डिस्क ब्रेक्स में एक डिस्क होती है, कैलिबर होता है, कैलिबर डिस्क को पकड़ के बीचता है जिससे वो रुक जाती है। दोस्तों, डिस्क ब्रेक्स में कूलिंग फैक्टर भी होता है, उसकी वजह से डिस्क ब्रेक्स काफ़ी जल्दी कूल हो जाती है ड्रम ब्रेक्स के मुकाबले, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है डिस्क ब्रेक्स में। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हमारा डिस्क ब्रेक अच्छा है या नहीं। हम सिर्फ इन दोनों में देखें, ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स, इनमें तो डिस्क ब्रेक्स ही काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी फास्ट है। पर डिस्क ब्रेक्स में एक और प्रॉब्लम भी है, जैसे हम मान लो सडनली कोई सामने आ जाता है तो फिर जब हम ब्रेक्स मारते हैं तो हमारी बाइक के व्हील लॉक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जिससे बचाने के लिए आजकल की नई एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम आई है एबीएस और सीबीएस। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एबीएस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सीबीएस होता है कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम। सीबीएस वैसे होंडा ने लॉन्च किया था, तो उसका पेटेंट भी होंडा के पास है। सिर्फ एक दो व्हीकल्स और हैं जिसमें सीबीएस यूज़ होता है, वैसे ज़्यादातर मोस्टली होंडा में यूज़ होता है। दोस्तों, ऐसा ड्रम ब्रेक्स के साथ भी हो सकता है, डिस्क ब्रेक्स के साथ भी हो सकता है। जैसे आपके सामने कोई आया, आपने ब्रेक्स मारी, सीधे में तो सिर्फ आप स्किड होएंगे। अगर आपने हैंडल टेढ़ा कर रखा है, राइट या लेफ्ट साइड कर रखा है, तो आपने जैसे हैंडल लेफ्ट साइड कर रखा है तो बाइक का जो बैक साइड होगी ना वो राइट साइड चली जाएगी और आप स्किड खा के नीचे गिर जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये ड्रम और डिस्क ब्रेक्स में। डिस्क ब्रेक्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं तो उसमें चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं गिरने के। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सीबीएस के बारे में, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। मैंने आपको बताई इसका पेटेंट होंडा के पास है, तो होंडा और एक दो कुछ कंपनियां हैं जो इसको यूज़ करती हैं। इसमें आपके जब व्हीकल की आप एक ब्रेक मारते हो, जैसे पिछली ब्रेक मारते हो, तो फ्रंट ब्रेक अपने आप ही अप्लाई होएगी, दोनों बराबर बराबर अप्लाई होंगे। आप किसी को भी मार लो, चाहे फ्रंट मार लो चाहे बैक मार लो, उससे आपका व्हीकल फास्ट रुक तो जाता है पर उससे आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाता अपने व्हीकल के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी बार। उसको ओवरकम करने के लिए दोस्तों फिर निकाली एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है, इसमें सेंसर्स लग रहे होते हैं जो कि हमारे बाइक के अंदर जाती हैं, ब्रेक्स को पहले वो एनालाइज कर लेती हैं कि क्या माहौल है, कितना ट्रैक्शन है, कितना फ्रिक्शन बन रहा है उस पर। उसके हिसाब से आप वेट सरफेस पे भी उस पर काफ़ी टाइट ब्रेकिंग मार सकते हैं और कैसे भी। जैसे मान लो आपने फुल ब्रेक्स मारी, अपने हाथों से पूरी ब्रेक्स लगा दी, तो जो इसका मैकेनिज्म होएगा वो ब्रेक्स को सिर्फ 30 या फिर 40% ही अप्लाई करेगा, जिससे कि आपके व्हील लॉक्स नहीं होंगे, चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। इस वीडियो का समरा ये है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी व्हीकल लेने जा रहे हो उसमें अगर एबीएस का ऑप्शन है तो आप एबीएस ही लें। अगर उसका ऑप्शन नहीं है तो फिर होंडा का व्हीकल ले रहे हो या फिर टीवीएस वगैरह बाकी और ब्रांड्स उनके ले रहे हो, तो आप कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम की तो ज़रूर कोशिश करें। जैसे कि टीवीएस में साइंग ब्रेकिंग सिस्टम आता है, वो भी ये काम करता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा। दोस्तों, एबीएस में एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, जैसे कि आप बाइक या फिर गाड़ी
दोनों कहीं भी मोड़ रहे हो तब भी आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वी लॉक होने नहीं देता। तो आप आराम से ब्रेक मारते हुए टर्न कर सकते हो अपने व्हीकल को, किसी भी व्हीकल को। आप ड्रम ब्रेक्स में नहीं कर सकते, कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम में नहीं कर सकते, सिंपल डिस्क ब्रेक्स में भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अब ABS में दोस्तों ही आप है। समझ ही गए होंगे, तो आप अच्छा डिसीजन अपने आप ले सकोगे कि कौन सी ब्रेक्स आपके लिए सही रहेंगी। अगर आपके व्हीकल के लिए ABS का ऑप्शन है तो आप ज़रूर लीजिए उसको, 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ मत देखिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं हरबकन बाइकर ऋतिक साइनिंग ऑफ। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में, ताकि उनको भी पता चल जाए कौन सी ब्रेक्स किस काम के आती हैं और कौन सी ब्रेक्स उनके लिए अच्छी होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।